Hello and welcome back to another VBA tutorial series. Guys, मैं एक नया VBA tutorial series start कर रहा हूँ जिसमें आज हम बात करेंगे WIA automation की, Windows Image Acquisition. Basically, Windows Image Acquisition क्या होता है, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे इसका पर्पस क्या है. WIA automation layer is a full featured image manipulation component that provides end-to-end image processing capabilities. इसका मतलब ये है, अगर आप कोई इमेज है, अगर आपको उसको मैनिपुलेट करना है, लाइक आपको उसको मैनिपुलेशन इन द सेंस, लेट से यू हैव वन PNG और JPG फॉर्मेट इमेज, इसमें आप उसको कुछ रोटेट करना चाहते हो, फ्लिप करना चाहते हो, या कुछ फिल्टर अप्लाई करना चाहते हो, फिल्टर रिमूव करना चाहते हो, क्रॉप करना चाहते हो, या फिर आप उसकी जो स्केलिंग है, हाइट विड्थ, ये सब आप चेंज करना चाहते हो, एस्पेक्ट रेशियो जो है आप उसको मेंटेन रखना चाहते हो, हटाना चाहते हो, तो बेसिकली ये सब चीज़ें आप जो पॉसिबल्स हैं आपकी विंडोज़ इमेज एक्विजिशन में पॉसिबल है. आपकी जो है एक लाइब्रेरी है, अगर आप इसमें चेक करोगे, आगे पढ़ोगे, दैट WIA ऑटोमेशन लेयर मेक इट ईजी टू एक्वायर इमेजेस फ्रॉम डिजिटल कैमरा, स्कैनर और वेब कैम्स एंड टू रोटेट स्केल्स एंड एनोटेट योर इमेज फाइल्स. सो अगर आपको इसका डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, मैं इसका रेफरेंस में लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप इसको पढ़ सकते हो, काफ़ी अच्छा है. अगर आप इसके ऑब्जेक्ट मॉडल की तरफ जाओगे, व्हाट आर ऑल ऑब्जेक्ट्स आर अवेलेबल इन दिस, उसमें चेक करोगे आपके पास डिवाइस कॉन्टेंट्स, इवेंट्स इन्फो, फिल्टर्स, फिल्टर इन्फोज, फॉर्मेट इमेज फाइल्स एंड ऑल, ये सारे इसमें जो है इसके बहुत सारे इसमें काफ़ी एक्सटेंसिव है ये. अगर आप इसको पढ़ना चाहो तो मैं इसका जो लिंक है बेसिकली डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा. सो मोटा मोटा आपको ये समझना है कि आपको, अगर मान लीजिए आपको इमेज मैनिपुलेट करना हो, कैसे कर पाओगे, तो आपके पास एक WIA की लाइब्रेरी होती है, आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो. फिलहाल इस वीडियो में 5 to 6 वीडियोज़ में लेके आऊँगा. तो फर्स्ट जो वीडियो होगी हमारी, इस पर होगी, इसमें लेट्स से यू हैव इमेज ऑफ PNG और एनी फॉर्मेट, यू वांट टू इट्स प्रॉपर्टीज, डायमेंशन एक्सेट्रा. फर्स्ट वीडियो में ये होगा. सेकंड वीडियो में अगर आप इसको फ्लिप करना चाहते हो ओरिजेंटली या वर्टिकली, वो लेके आऊँगा. थर्ड वीडियो में मेरे पास रोटेट, अगर आप इसको रोटेट करना चाहते हो टू एनी डिग्री, 45, 90, 180, वट एवर. एंड उसके बाद अगर आप इसको इमेज फॉर्मेट को आप कन्वर्ट करना चाहते हो किसी भी फॉर्मेट में, आप यहाँ पे, ये फोर्थ वीडियो होगा, रिसाइज करना चाहते हो, छोटा बड़ा एस्पेक्ट रेशियो रखना चाहते हो, टाइम चाहते हो, वो भी आप कर सकते हो. लेट्स से वी हैव दिस इमेज हनी, हमारे पास एक इमेज है हनी के नाम से. अगर आप यहाँ पे इसके डिटेल सेक्शन में आते हो, यहाँ पे आप चेक करते हो उसमें किसकी इमेज ID, डायमेंशन, विथ, हाइट, हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन, वर्टिकल रेजोल्यूशन, बिट डेप्थ, कंप्रेशन, बेसिकली क्या है इसकी एक तरह की प्रॉपर्टीज नहीं है. इसमें डेट, क्रिएटेड आइटम, फाइंड रिपोर्ट्स, ये सब. तो बेसिकली आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं. तो फर्स्ट वीडियो आपका जो है, इस पर मैं इसमें आपको दिखाऊंगा इसकी इमेज प्रॉपर्टी, डायमेंशन कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो. तो इसको यूज़ करने के लिए आपको एक जो होगी लाइब्रेरी आपको इसमें इंक्लूड करनी होगी टूल्स में आके, रेफरेंस में आने के बाद आपके पास यहाँ पे एक लाइब्रेरी है माइक्रोसॉफ्ट की है. माइक्रोसॉफ्ट, वेयर आर यू, इस माइक्रोसॉफ्ट, आप चेक करोगे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इमेज एक्विजिशन लाइब्रेरी, राइट, वर्जन 2.0, इसको सिलेक्ट करके ओके करना होगा. इसमें एक रिक्वायरमेंट भी थी, आप चेक करना चाहोगे रन टाइम रिक्वायरमेंट से. अगर आप API एप्लीकेशन डेट यूज द WIA ऑटोमेशन लेयर, API रिक्वायर्स विंडोज Vista और लेटर, अर्लियर वर्जन ऑफ विंडोज आर नॉट सपोर्टेड. अगर आप API यूज़ करना चाहते हो WIA ऑटोमेशन का, तो इसमें आपको इसमें रिक्वायरमेंट है ये, इस चीज़ की अर्लियर वर्जन में सपोर्टेड नहीं है. आप उस अर्लियर वर्जन के लिए आप क्या कर सकते हो, आप लेट बाइंडिंग यूज़ कर सकते हो, लेट बाइंडिंग मेथड होता है, ठीक है. तो हम यहाँ पे टूल्स में आना होगा, रेफरेंस में आना होगा. रेफरेंस में आने के बाद
ये जो लाइब्रेरी है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इमेज एक्वेशन लाइब्रेरी, इसको आपको चेक करना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बेसिक सा प्रोसीजर डिक्लेयर करने वाला हूँ। बेसिक डब्ल्यू आई है, नॉट डब्ल्यू आई है, गेट फाइल प्रॉपर्टीज, गेट इमेज फाइल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक वेरिएबल लेना होगा, किसके लिए? इमेज फाइल ऑब्जेक्ट के लिए। डिक्लेयर ए वेरिएबल फॉर इमेज फाइल प्रॉपर्टी, राइट? और सॉरी, फॉर इमेज फाइल ऑब्जेक्ट नॉट प्रॉपर्टी। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल लूँगा, मैं बोलूँगा डिम डब्ल्यू आई ए अंडर स्कोर, मैंने बोला आई एम जी फाइल, दिस इज़ माई वेरिएबल नेम एज डब्ल्यू आई ए। डब्ल्यू आई ए देगा, आपके पास एक लाइब्रेरी आ गई है, उसके बाद आप डॉट प्रेस करोगे। डॉट प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपके पास एक इमेज फाइल आती है, उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद आप यहाँ पे एक जो हमारी ये फाइल है, फाइल का मैं इसमें एक स्ट्रिंग लूँगा, इसको मैं फिलहाल फाइल पाथ के लिए मैं एक स्ट्रिंग लूँगा, मैं इसकी पाथ कॉपी कर लेता हूँ, राइट? मैंने यहाँ पे बोला डिम माई फाइल एज स्ट्रिंग। ठीक है, और हमें इमेज फॉर्मेट जो हमारा होता है डॉट जीपीजी, जितने भी हमारे फॉर्मेट होते हैं, बीएम डॉट बीएमपी डॉट जीआईएफ डॉट टीआईएफ डॉट पीएनजी, जितने भी होते हैं फॉर्मेट, उस फॉर्मेट को मैं वैलिडेट करने के लिए एक वेरिएबल लूँगा, मैं बोलूँगा डिम इमेज फॉर्मेट एज, मैं इसको एज ए वेरिएंट रखूँगा, और मेरा जो फाइल का जो पाथ होगा, सॉरी पहले मैं इसको इनिशियलाइज कर लेता हूँ, जो हमारे फाइल इमेज ऑब्जेक्ट है, सेट डब्ल्यू आई ए इमेज फाइल इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको बोलना होगा न्यू डब्ल्यू आई ए डॉट इमेज फाइल। ठीक है, फिर उसके बाद असाइन अ फाइल पाथ, असाइन ए फाइल पाथ टू अ वेरिएबल। ठीक है, माई फाइल इज इक्वल टू, ये मेरा एक फाइल पाथ है, वैलिडेट, लेट्स वैलिडेट इफ फाइल एग्जिस्ट। पहले हम वैलिडेट करेंगे क्या ये फाइल एग्जिस्ट करती है। इफ वी वी एन डॉट डी आई आर, हमारे पास एक मेथड है डी आई आर माई फाइल, यू आर सेइंग माई फाइल कॉमा लेट्स से डायरेक्टरी इज इक्वल टू वी वी नल स्ट्रिंग, नल स्ट्रिंग देन एंड इफ वी आर सेइंग मैसेज बॉक्स फाइल नॉट एग्जिस्ट हैंस अबॉर्टिंग देन वी सेट एग्जिट सब। हमने यहाँ पे वैलिडेट कर लिया है कि हमारे पास फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। हम क्या करेंगे अब, इसमें जितने भी हमारे फॉर्मेट्स होते हैं, हम इसमें फॉर्मेट्स असाइन करेंगे इमेज फॉर्मेट वेरिएबल को, असाइन ऑल इमेज फॉर्मेट टू इमेज फॉर्मेट वेरिएबल। लेट्स से मैं यहाँ पे कहता हूँ इमेज फॉर्मेट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं एक एरे में पास कर देता हूँ, मैं यहाँ कहता हूँ डॉट, वी हैव फॉर्मेट डॉट बी एम पी, राइट? डॉट बी एम पी हमारे पास फॉर्मेट है। उसके बाद हमारे पास एक सेकेंड फॉर्मेट है हमारे पास, उसके बाद एक सेकेंड गाइस, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ,
.jpg ये फॉर्मेट है हमारे पास। JPG के बाद आप इसमें GIF भी फॉर्मेट है हमारे पास। GIF के बाद .tif टिफ फॉर्मेट है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास .png एक लास्ट ले लेते हैं, png फॉर्मेट, राइट। ये हमारे पास फॉर्मेट हो गए हैं। अब मैं क्या करूँगा, जो हमारी फाइल जो हमने इसमें वेरिएबल लिया है माई फाइल का, पहले मैं चेक करूँगा क्या ये फॉर्मेट इस फॉर्मेट में इंक्लूड है, क्या ये मैच हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा इसके लिए, लूप थ्रू ऑल फाइल फॉर्मेट, ऑल इमेज फॉर्मेट। तो मैं क्या करूँगा, एक इसके लिए वेरिएबल लूँगा, मैं बोलूँगा डिम काउंटर एज लॉन्ग, ठीक है। मैंने बोला फॉर काउंटर इज इक्वल टू जो हमारा लोवेस्ट बाउंड है, एल बाउंड, BOUND, एल बाउंड ऑफ इमेज फॉर्मेट टू अपर बाउंड, यू बाउंड ऑफ इमेज फॉर्मेट। नेक्स्ट कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ वैलिडेट करने वाला हूँ, इफ vva.instring में जो है फंक्शन यूज़ करूँगा। फर्स्ट स्टार्ट हमारा जो हमारा फाइल नेम होगा स्ट्रिंग टू माई फाइल होगा, कॉमा इमेज फॉर्मेट जो हमें फाइंड करना है, किस में इमेज फॉर्मेट में कौन सा जो हमारी कंट्रोल की जो वैल्यू आ रही है। कंपेयर में मैं यहाँ पे रख दूँगा vv टेक्स्ट कंपेयर, इफ दिस इज ग्रेटर देन ज़ीरो देन एंड इफ, इसका मतलब ये है कि हाँ जी हमको जो है फॉर्मेट मिल चुका है, यस वी कैन से यस गिवन फॉर्मेट इज इन वैलिड फॉर्मेट, ठीक है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ उसको बोलने वाला हूँ लोड द इमेज फाइल टू, लोड द इमेज फाइल टू अपनी WIA इमेज ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उसको लोड करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है WIA, जो आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है इमेज .loid लोड फाइल। उसके बाद आपको स्पेस देना है, स्पेस देने के बाद आपके पास जो माई फाइल होगा वो आपको यहाँ पे लोड करना है। आपने यहाँ पे लोड कर दी बेसिकली। लोड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज डायमेंशन, वो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, प्रिंट सम प्रॉपर्टीज एंड डायमेंशन। ठीक है, debug.print लेट्स से यू वांट टू चेक इमेज फाइल, यानी कितने MB या कितने बाइट्स की है WIA. अगर आप यहाँ पे आओगे file data dot count यहाँ पर क्या करेगा बेसिकली, ये इसमें आपको returns इमेज फाइल इन kb किलोबाइट्स में रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर आपको इसको MB में रिटर्न करना होगा तो आपको यहाँ पे काउंट को डिवाइड बाय 1024 में आपको करना होगा, टर्म्स इन MB आपको पता ही होगा ये, ठीक है। उसके बाद अगर आपको इसमें फाइल का एक्सटेंशन देखना हो, debug.print
फाइल एक्सटेंशन इज WIA इमेज फाइल डॉट, को यहाँ पे इसमें एक होगा फाइल एक्सटेंशन का प्रॉपर्टी, वो यूज़ कर सकते हो आप। अगर आपको मान लीजिए हाइट चेक करना हो, डिबग डॉट प्रिंट HEIGST हाइट इज WIA, कंट्रोल जे प्रेस कीजिए, नीचे आ जाइए आप हाइट। अभी आपकी हाइट हो गई। हाइट के अलावा अगर आप मान लीजिए हॉरिजेंटल रेजोल्यूशन चेक करना चाहते हो, जो राइट हॉरिजेंटल रेजोल्यूशन इज डॉट हॉरिजेंटल रेजोल्यूशन, ठीक है। सेम वाइज अगर आपको इसमें वर्टिकल रेजोल्यूशन चेक करना हो, तो आई थिंक वी हैव वर्टिकल रेजोल्यूशन, डू वी हैव, वी, यस वी हैव वर्टिकल रेजोल्यूशन एज वेल। वर्टिकल रेजोल्यूशन भी आ गया आपके पास। अगर इसमें आपको मान लीजिए चेक करना हो इसमें पिक्सल डेप्थ, पिक्सल डेप्थ भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डिबग डॉट प्रिंट कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं आप जो इसमें चेक कर सकते हो अपने आप से, आप इसमें पिक्सल डेप्थ, पिक्सल डेप्थ इज कंट्रोल जे, पिक्सल डेप्थ सर्टेन प्रॉपर्टीज़ हैं, आप खुद से आप इसको एक बार अपनी तरफ से जो है R&D कर सकते हो। मान लीजिए आपको इसमें विड्थ देखना हो, DTH विड्थ इज WIA डॉट WIA इमेज फाइल डॉट विड्थ इज द प्रॉपर्टी। अगर आप चेक करोगे इसमें काफ़ी सारी प्रॉपर्टी है गाइस, यू कैन R&D एट योर ओन लेवल, देख रहे हो फिलहाल जो मैं इसको इतना ही रखता हूँ। मैं इसमें एट द लास्ट आप क्या कर सकते हो, वेरिएबल को आप सेट WIA इमेज फाइल इज इक्वल टू रिलीज कर सकते हो मेमोरी से, ठीक है, नथिंग। मैं यहाँ पे इसको F8 पे रन करूँगा, F8 मोड पे। यहाँ पे जो हमारी फाइल है अभी फ़िलहाल ठीक है, हमें ये मिल जा रही है। इमेज फॉर्मेट में आप चेक करोगे यहाँ पे, उनके पास इसमें इमेज फॉर्मेट जो है लोड हो चुकी है यहाँ पे। आपका 02 ये आपका चलेगा, 01234, 024, ठीक है। फर्स्ट आपका इमेज फॉर्मेट है .bmp, माई फाइल में से आपका क्या ये मैच हो रहा है .bmp, टेक्स्ट कंपेयर हो रहा है, नहीं हो रहा है ये। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो फॉर्मेट है .jpg, क्या इसमें jpg है, यस वी हैव .jpg। आपके मिल जाने के बाद आप क्या कीजिए, इसको आगे मत जाओ, तो आप यहाँ पे एग्जिट फॉर कर सकते हो। जब लूप चला रहे हो लूप के बाद आप बाहर आ सकते हो उसमें से, एग्जिट फॉर, यस गिवन फॉर्मेट इज इन, गिवन फॉर्मेट इज इन वैलिड फॉर्मेट, यस गिवन फाइल, ठीक है। इसके बाद आप बाहर आ गए, बाहर आने के बाद आपने क्या किया, यहाँ पे उसमें WIA ऑब्जेक्ट में अपनी फाइल को लोड कर दिया है। और इसमें जो हम इसकी कुछ जो है प्रॉपर्टीज़ हम प्रिंट करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज़ एंड डायमेंशन। अगर आप चेक करोगे 8079 इज़ द किलोबाइट्स, अगर आप इसको MB में कन्वर्ट करोगे तो आपका 7.889 करके होगा। अगर आप यहाँ पर राइट क्लिक करोगे प्रॉपर्टीज़ में आते हो अगर आप, तो आप यहाँ चेक कर सकते हो, ये आपका किलो वाइट्स में है 8192, यानी आपका ये साइज जो है आपका इसमें आप मैच कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो इसमें मैं यहाँ पे इसको अभी फाइल एक्सटेंशन इज योर .jpg आपको पता है, इसमें हाइट आपकी ये है, हाइट इज 271, रिजोल्यूशन आपका ये है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आपका ये है, एंड पिक्सल डेप्थ इज दिस एंड विड्थ इज दिस 183, या गाइस। तो अगर आप इसमें
चेक करना चाहो तो आप कर सकते हो, वेरीफाई करना चाहो तो अपने लेवल पे आप कर सकते हो वेरीफाई। मान लीजिए इसमें हमारे पास कुछ फिल्टर्स होते हैं, वी हैव फिल्टर्स, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप कौन कौन से फिल्टर्स होते हैं इमेज में आपके? मैं आपको दिखा देता हूँ, प्रिंट ऑल फिल्टर्स, फिल्टर्स इन्फो। फिल्टर्स इन्फो बेसिकली होते क्या हैं मैं आपको दिखाता हूँ अभी, क्या मैं क्या बात मैं क्या बोलने वाला हूँ। फिल्टर इन्फो, जब भी आप कोई फिल्टर्स लगाते हो, लाइक आप साइज़ पे लगाया आपने, उसकी विड्थ पे लगाया, कम किया, बड़ा किया, क्रॉप किया, इमेज का आप कुछ भी मैनिपुलेट करना चाहते हो, फिल्टर्स क्या क्या होते हैं बताता हूँ मैं सब। डब्ल्यू आई अंडरस्कोर, मान लीजिए आपको चाहिए इसमें इमेज प्रोसेस फिल्टर इन्फो, एक हमारा प्रोसीजर है। और मैं इसमें एक डिम, मैंने बोला डब्ल्यू आई ए, डब्ल्यू आई ए अंडरस्कोर इमेजेस, डब्ल्यू आई ए डॉट, ये हमारा होगा इमेज प्रोसेस। हमने लास्ट टाइम इसमें लिया था इमेज फाइल लिया था, मैं इसमें इमेज प्रोसेस ले रहा हूँ। और डिम ओ फिल्टर, ओ फिल्टर एज डब्ल्यू आई ए डॉट, मैंने यहाँ पे बोला फिल्टर इन्फो, राइट। मैं चेक करना चाहता हूँ कितने हमारे पे फिल्टर इन्फो है, मैं बोला इनिशलाइज करेंगे पहले हम डब्ल्यू आई ए इमेज को, डब्ल्यू आई ए इमेज इज इक्वल टू न्यू डब्ल्यू आई ए डॉट इमेज प्रोसेस, ठीक है, हमने यहाँ कर दिया। मैंने वो बोला फॉर ईच ओ फिल्टर, फॉर ईच ओ फिल्टर इन, मैंने बोला डब्ल्यू आई ए डॉट इमेज, डब्ल्यू आई ए, वी हैव डब्ल्यू आई ए इमेज, डब्ल्यू आई ए इमेज डॉट फिल्टर इन्फोज, राइट। नेक्स्ट ओ फिल्टर, तो मैं यहाँ पे विथ ओ फिल्टर के साथ कुछ जो इसमें वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ, विथ ओ फिल्टर एंड विथ, तो इसमें मान लीजिए मैं बोलता हूँ डिबग डॉट प्रिंट फिल्टर के नेम डॉट नेम एंड लेट्स से एंड पर्सन दिया मैंने यहाँ पे कुछ कॉलम, फिर स्पेस दिया, फिर आपने इसमें एंड पर्सन दिया एंड इसके बाद बोलूँगा डॉट डिस्क्रिप्शन, इसके डिस्क्रिप्शन क्या है VVCRLF। आप नेक्स्ट लाइन में जाइए, डिबग डॉट प्रिंट मान लीजिए, जब आप पहले इसमें फिल्टर एंड उसके डिस्क्रिप्शन प्रिंट करते हो तो उसके बाद एक लंबी लाइन आ जाए, राइट। इसको हम जो है एट लास्ट सेट ओ फिल्टर इज इक्वल टू नथिंग, आप इसको मेमोरी रिलीज कर लीजिए, सेम आपको इसे करना होगा, सेट इज इक्वल टू नथिंग, ठीक है। फिलहाल कोई अर्जर नहीं हमारे पास, मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद चेक करोगे, पहला जो हमारा इसमें फिल्टर का नेम है वो है रोटेशन का, रिलेटेड टू रोटेशन से है वो। आप इसको इमेज को कितना रोटेशन आप करना चाहते हो, 90 डिग्री, 180 डिग्री, ये जो भी है ये आपका बेसिकली इसमें नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आने वाले हैं सारे फिल्टर इमेज। रोटेशन अगर आपको करना हो यहाँ पे, देख रहे हो यहाँ पे, तो उस वक्त जो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये सारी ये काम आएंगी वहाँ पे, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ है क्या ये। इसमें एक सेकेंड पे इसको एक बार फिर से रन करता हूँ। पहला आपका आता है रोटेट से रिलेटेड आता है, वो रोटेट कैसे करना चाहते हो, वर्टिकली इन वर्टिकली हॉरिजॉन्टली। फिर आपका क्रॉप से रिलेटेड आता है,
फिर आपका स्केलिंग से आता है रिलेटेड, जो कि आप स्केल्स मैक्सिमम विथ एंड हाइट जो एस्पेक्ट रेशियो जो मेंटेन रखा जाता है। फिर स्टेम्प से आता है रिलेटेड टू स्टेम्प, एक्सिफ से आता है प्रॉपर्टी, फिर आपका फ्रेम से रिलेटेड आता है, फिर आपका ARGB से आता है, फिर आपका कन्वर्ट से आता है। ये सारे खूब सारे जो इसमें इसके फिल्टर इन्फोज है। हम जो आगे वाले मे बी हम सब में बात ना करें, जो रिलेटेड टू मोस्ट ऑफ द केसेस में हम जो इसमें 70-80% कवर करेंगे इसको। फिलहाल इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा फ्लिप इमेजेस से, देन फिर रोटेट, देन कन्वर्ट, देन रिसाइज से, राइट। टिल देन आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। सो मिलता हूँ आपसे जल्दी। टिल देन यू स्टे हेल्थी एंड स्टे सेफ। बाय बाय, टेक केयर।